तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दूसरी जगह लंच करने जा रहे हैं, ओके। और अच्छा, यही जगह है, आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि 12.99 रियाल में सेम वो बैलेंस है, क्या बोलते हैं उसको, कांटे के बिना है, ओके। तो आज हम यहाँ पे लंच करेंगे, ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दूसरी जगह है, ओके। तो दोनों के ऊपर से पहले ठीक है, तो ये हमको थोड़ा अजीब सा लगा, ओके। देखिए बैलेंस आई थिंक वो ब्राउन थिंग का है, नो नो, सो वेजिटेरियन वेजिटेरियन ओके। ये सलाद साइड के पर है, ग्लोब था, ओके ग्लोब है, ओके इज ग्लोब, नो नो। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी ये लोग मस्ती करने लगते हैं, बोल रहे थे कि ग्लोबो से हो गया, ग्लोबो एक बहुत बड़ा मीडिया है यहाँ का, तो हम यहाँ से उठाएंगे, ओके। और ये देख सकते हैं आप, सैलेड्स हैं, फिर बैंगन है, फिर बहुत कुछ कुछ है, भिंडी नहीं, ये क्या है, भिंडी नहीं है, भिंडी जैसा कुछ दिखा था, बड़ा है वो, सॉरी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं पहले जैसे कि मैं हमेशा राइस लेता हूँ पहले, तो मैं राइस की तरफ जाऊँगा, ओके। ऐसे अहोज ना होते हम कर, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो ये आप राइस देख रहे हैं, इसमें कुछ कुछ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैं राइस खाने वाला हूँ, ओके ओके। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो राइस है वो गाजर वाजर है, वो ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ओके। और बस यही मैं लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर, इनकी प्लेट थोड़ी छोटी है, अभी मैं ये लेने वाला हूँ यहाँ पे, इसको जो है ब्लैक बीन्स हैं, मैं खा खा के परेशान हो गया यार यही वाले बीन्स, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है बॉस अपने पास, ठीक है। थोड़ा सा अपन और डाल लेते हैं, ओके। और क्या है, ओके गुड, चिकन है वो, ओके। यहाँ पे भी नॉन वेज है, यहाँ पे भी नॉन वेज है, हम वो नहीं ले सकते, ओके। ये भी नॉन वेज है, तो हम ये लेने वाले हैं यहाँ पे, ओके। दोस्तों यहाँ पे रखने को जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा कैमरा जो है यहाँ पे रखता हूँ, और इसको पहले उठा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखे जैसे वहाँ थे, सैलेड वैलेड के बहुत ज़्यादा, तो हम जो है वही खा के काम चला लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने ये भी ले लिया, और अभी मैं सैलेड लूँगा थोड़ी सी साथ में खाने के लिए, ओके। क्या है सर, दोस्तों तो ये जो है ना, ये मैं ले सकता हूँ, टेस्ट करके देखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी खाया है, यहाँ नहीं खाया, मेरी प्लेट भर गई है यार, चलो नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, नहीं तो प्लेट ऑलरेडी भर गई है मेरी, ओके। तो यहाँ से हम अभी ये उठाएंगे, चम्मच भी है शायद यहाँ पर, चम्मच है यहाँ पर, चम्मच है,
ना चम्मच को उठा लिया और अभी हम यहाँ पे जगह देखते हैं, यहाँ पे है जगह वैसे। ओके यहाँ पे हम बैठेंगे और इसको खा के देखते हैं। तो दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है ये जो वो मुझे बेटर लगा दूसरी जगह से। लाइट वाइट काफ़ी अच्छी है, पंखा है और चेयर्स वेयर सब अच्छी हैं, अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा कंजेस्टेड है, छोटा है। तो ये आप यहाँ पे मेरी प्लेट देख सकते हैं। ओके तो आप लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हो कि फूड के व्लॉग बनाओ, तो मैं एक और जगह आज खाना है हम, तो वहाँ पे भी व्लॉग बना रहा हूँ। ओके तो आज हम खा के देखेंगे यहाँ का खाना कैसा है और मैं आपको बताता हूँ। ओके हम ये खा के देखते हैं, जो वेजिटेरियन चीज़ बोली है ना इन्होंने, ये कैसे है। ये तो यार बहुत सॉलिड है यार, वेजिटेरियन है ये। उन्होंने मुझे बोला कि ये टॉर्टा जी लेग्यूमिस, मतलब वो होता है ना पाई, लेग्यूमिस मतलब सब्जियां, सब्जियों का पाई है वो, जैसे वो मीठा होता है ना, अब समझ लो आप। तो ये काफ़ी टेस्टी है, मज़ा आ गया था। और ये है जो अपना राइस और बीन्स, ब्लैक बीन्स। नो आइंदा नो ऑब्रिगेटो। ठीक है तो आप ये देख सकते हैं, ये जो बीन और राइस है ये काफ़ी टेस्टी है। क्या होता है अपने इंडिया में हम जब भी खाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप घर पे अगर दाल चावल खा रहे हो तो वो उसका अलग टेस्ट होगा, फिर किसी रिलेटिव के यहाँ जाओगे तो अलग टेस्ट होगा सेम दाल चावल का, अगर फ्रेंड के यहाँ जाओगे तो अलग टेस्ट होगा। सेम ऐसे ही है ये जो चीज़ें हैं जो मैं खा रहा हूँ ये सब सेम ही हैं, लेकिन ये दूसरी जगह है तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया और अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ और आऊँगा, नेक्स्ट टाइम भी यहीं पे आऊँगा मैं। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है। ओके और क्वांटिटी मैंने बिल्कुल बराबर ली थी, थोड़ा पेट हैवी हो गया मेरा। ओके तो बस मैं यहाँ से अभी पेमेंट करूँगा और निकल जाऊँगा यहाँ से। तो चलते हैं यहाँ पे, अभी कोई नहीं है, आ जाएगा कोई ना कोई। ये देख सकते हो आप यहाँ पे फैन वैन है, टेबल्स अच्छी हैं। मुझे तो यार अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। कलर भी अच्छा है, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन दीवार पे। मैं इतना सब नोटिस नहीं करता, वो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो जो जो दिख रहा है कॉमेंट्री करता जा रहा हूँ। ओके चलो उनको आने दो, जैसी पेमेंट होती है मैं दोबारा बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो है तो दोस्तों हमारा लंच हो चुका है। ओके और जो खाना है वो काफ़ी अच्छा था, ये देख सकते हैं आप। ओके 12.99 में जो है बिना वेट के, तो अच्छा था, बढ़िया लगा मुझे, टेस्टी लगा खाना। और जो खाना मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगा, दूसरी जगह से ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा था खाने का। तो मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ नई नई जगह, और ये मेरा एक्सप्लोर करने की बात नहीं है, आप लोगों को दिखाने की बात है। ठीक है तो मैं जहाँ भी जाऊँगा अगर ऐसा कोई आता है कि भाई मैं लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा वहाँ वीडियो बना लेता हूँ, तो आप लोगों के लिए एक फूड व्लॉग रेडी हो जाता है।
तो आप लोगों को भी पता चल रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई, ब्राज़ील देखना आपको कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई होगी आप लोगों के पास अब ब्राज़ील को लेके, है ना। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और बस अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, वही जो कल सा गाँव दिखाया था ना आपको, बड़ा वाला जो वो जो था साइडवॉक मार्केट, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वो भी देख लेना अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को। ओके, तो मैं अभी वहाँ जाऊँगा, वहाँ काम है मुझे, उसके बाद हम पकड़ेंगे ट्रेन और वापस घर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए राजा भैया ब्राज़ील वाले को, और साथ में साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचें।